आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट अपडेट यू नेवर मिस। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में फिर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। तो सिक्स मंथ की करंट की सीरीज़ में फिर एक बार मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संयोजित किया है मैंने आपके लिए। तो करंट की सीरीज़ में आपके लिए बेस्ट 5 क्वेश्चन हैं। पहले तो आप देख सकते हो पहला प्रश्न कौन सा है इसी सीरीज़ में। तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहली बार कौन सा नया मंत्रालय स्थापित किया गया है। पहला कौन सा मंत्रालय स्थापित किया गया है। तो अभी दोबारा से जो सरकार बनी है भारत में NDA की, मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें एक नया मंत्रालय स्थापित किया गया है, पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कौन सा नया मंत्रालय, उसका नाम आप आंसर देख लीजिए, जल शक्ति मंत्रालय। ये नया मंत्रालय स्थापित इस बार किया गया है 2019 में, जब नई सरकार का गठन हुआ है। एक पॉइंट और याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय का चार्ज भार किसे दिया गया है। तो इसका जो मंत्री बनाए गए हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्री अपॉइंट किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ से आते हैं, जोधपुर से, राजस्थान के जोधपुर से सांसद चुन करके आए हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आप देख लेना पहला प्रश्न नया मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। सेकेंड क्वेश्चन इसी सीरीज में आप देख लो, माई लाइफ एंड माई मिशन, किताब है ये माई लाइफ एंड माई मिशन, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, किसके माध्यम से, किसकी आत्मकथा है या किनके द्वारा लिखी गई है। तो आप इसे याद रखना, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, योग गुरु हैं भारत में, बाबा रामदेव द्वारा इसे लिखा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा ऑटोग्राफी को लिखा गया है, माई लाइफ माई मिशन को लिखा गया है, लिख लेना आप। तो तीसरा प्रश्न है इसी श्रृंखला में, भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो राज्य याद रखना है, गुजरात में भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय स्थापित किया गया है। डायनासोर जो भी जीव होते थे करोड़ों वर्ष पहले, तो उनसे संबंधित जो भी अवशेष वगैरह साक्ष्य वगैरह प्राप्त होंगे उनसे संबंधित संग्रहालय या म्यूजियम में रखे जाएंगे, उसके लिए गुजरात में स्थापित एक नया म्यूजियम बनाया गया है। अगला फैक्ट देखिए, चौथा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन योजना कहाँ से कहाँ तक स्थापित की जाएगी या कौन से देश में स्थापित की जाएगी, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपको देश भी याद रखना, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन योजना भारत में ही स्थापित की जा रही है, भारत में स्थापित की जाएगी। सेकेंड बात इसमें याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक होगी भारत में जी। तो दोनों फैक्ट याद रखना, भारत में जी कहाँ से स्टार्ट होगी, कांडला आपने सुना होगा, गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है जो आज़ाद भारत के बाद या गणतांत्रिक भारत के बाद विकसित होने वाला पहला भारत का बंदरगाह था कांडला। तो कांडला से लेकर के गोरखपुर आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश का जिला है, शहर है। तो कांडला से गोरखपुर तक ये गैस पाइपलाइन की योजना है जो कि विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन योजना होगी। तो आप इन फैक्टों को नोट कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन राशन कार्ड नामक योजना भारत सरकार कब से शुरू करने जा रही है। तो इसका वर्ष आपको याद रखना है, तो वर्ष इससे संबंधित आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, 2020 से भारत सरकार इस योजना को शुरू करने जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका मतलब ये होगा, यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के रहने के बावजूद आप राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं या भारत के किसी भी राज्य में आप जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने ही एक राशन कार्ड से, उत्तर प्रदेश के उसी राशन कार्ड से आप वहाँ पे भी जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना का देश भर के लोगों को यह फायदा होगा आने वाले समय में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड नामक योजना 2020 में भारत सरकार इसे लॉन्च करने जा रही है। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, नोट कर लेना। अब अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं इसी सीरीज में। अगले ये प्रश्न है आपके सामने, करंट का पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सबसे पहले जलवायु आपातकाल लगाया। ये हाल ही में चर्चाओं में रहा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, जलवायु आपातकाल लगाया, क्लाइमेट चेंज के लिए जलवायु आपातकाल लगाया, दुनिया का कौन सा देश रहा पहला। तो इसमें आप पढ़ लेना, पहला और दूसरा देश मैं बता देता हूँ। पहला देश था लगाने वाला इंग्लैंड ने पहला विश्व में जलवायु आपातकाल लगाया, उसके बाद आयरलैंड लगाया, ये दोनों देश चर्चा में रहे थे, दोनों को आप याद रख लेना। पहला कंट्री पूछा जाए इंग्लैंड, याद रखना है इंग्लैंड ऑप्शंस में नहीं रहता है, तो आयरलैंड जरूर मिलेगा आपको।
तो ये दुनिया के पहले दो देश रहे जिन्होंने जलवायु आपातकाल लगाया, क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी लगाई देश से प्रदूषण को घटाने के लिए। इंडस्ट्री हो गई या वाहन हो गए, व्हीकल्स हो गए, उनसे जो भी प्रदूषण धुएं के रूप में निकलता है उन चीज़ों को कम करने के लिए इमरजेंसी उन्होंने अपने देश में लगा दी, जैसे जलवायु आपातकाल बोला गया, क्लाइमेट इमरजेंसी बोला गया। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए इसी सीरीज में, 30 मई को मोदी जी के शपथ समारोह में विश्व के कौन से राष्ट्राध्यक्षों के एक समूह ने भाग लिया था? तो मोदी जी ने इन्वाइट किया था 30 मई 2019 को दोबारा से दूसरे कार्यकाल के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, नियुक्त किए गए, शपथ दिलाई गई थी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो कौन से समूह ने भाग लिया था? तो आंसर इधर देख लीजिए 30 मई को, तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक समूह ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ समारोह में भाग लिया था। तो आपको याद रखना है जब बिम्स्टेक आ सकता है, यूरोपियन यूनियन आ सकता है, सार्क कंट्रीज आ सकता है, ऑप्शन में वो कुछ भी दे सकता है आपके लिए। तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आए थे, जिसमें नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, इनको मिलाकर के बहुत सारी कंट्री शामिल है बिम्स्टेक समूह में। अगला देखिए इसी सीरीज में प्रश्न, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ने कौन से राज्य को पुरस्कार दिया है? अभी भारत के एक राज्य को पुरस्कार दिया है तमाकू पर नियंत्रण के लिए, उस राज्य ने पिछले के कुछ वर्षों में तमाकू पर नियंत्रण करने की दिशा में प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, या उनका अभी भी कार्य जारी है उस राज्य का, तो उसके लिए WHO ने पुरस्कार दिया है। तो आपको याद रख लेना है कौन से राज्य को दिया है, तो आप आंसर देखिए राजस्थान को ये पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना है WHO द्वारा राजस्थान को पुरस्कार दिया गया है, किस लिए दिया गया है? तमाकू पर नियंत्रण के लिए। अगला पॉइंट देख लीजिए प्यारे बच्चों इसी सीरीज में, इसी में एक ऐड और कर लो, अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा ही जाता रहता है, तो आपको याद रख लेना है 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा ही जाता कहीं ना कहीं एग्जाम्स में, तो आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, द मोमेंट ऑफ लाइफ ये एक पुस्तक हाल ही में चर्चाओं में रही, किसके द्वारा लिखी गई? द मोमेंट ऑफ लाइफ मेलिंडा गेट्स के द्वारा लिखी गई, द मोमेंट्स ऑफ लाइफ मेलिंडा गेट्स के माध्यम से या मेलिंडा गेट के माध्यम से द्वारा लिखी गई, आपको याद रखना द मोमेंट ऑफ लाइफ, इस पुस्तक को आप नोट कर लेना। अगला पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीरीज में, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने आपदा सेस लगाया, या टैक्स, सेस को टैक्स भी बोल सकते हैं, आपदा मतलब ट्रेजेडी, प्राकृतिक जितनी भी आपदा आ जाती है उनसे जो भी नुकसान होता है उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए या पुनर्निर्माण के लिए उस राज्य में ये सेस लगाया गया है या टैक्स लगाया गया है। तो आप देख लीजिए भारत का पहला राज्य बना है केरल ने आपदा सेस लगाया है, सेस मतलब टैक्स के रूप में ही कुछ पैसा वसूलेगी सरकार, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं, दक्षिण भारत का राज्य सबसे पहले मानसून भी आता है यहाँ, अभी हाल ही में 2019 में शुरू में अगर बात करें तो मार्च अप्रैल के महीने में 100 साल के इतिहास में एक बहुत बड़ी बाढ़ त्रासदी आई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा जनजीवन नुकसान हुआ, तो इस वजह से सरकार ने वहाँ निर्णय लिया दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए, रोड्स हों, बिजली का काम हो, चाहे कुछ भी हो, चीज़ों को संचार की व्यवस्था हो, स्थापित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसे की आवश्यकता के लिए उन्होंने अतिरिक्त वहीं के निवासियों से, लोगों से नाम दे दिया आपदा सेस। तो भारत का पहला राज्य बना केरल जिसने आपदा सेस लगाया है। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए निकाले गए, छांट के लाए गए, तो आप इनको नोट कर लेना। मैं अगले क्वेश्चनों की तरफ चलता हूँ बच्चों इसी सीरीज में, अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं, अगले 5 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण छांटे गए करंट के। तो पहला प्रश्न देखिए इस सीरीज में, विश्व का पहला देश जो 2020 से, आपको याद रखना है 2020 से हवाई जहाज़ों की टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा, 2020 से लगाने जा रहा है, 2019 चल रही है, नेक्स्ट ईयर से कहने का मतलब है ग्रीन टैक्स लगाएगा। तो आपको याद रखना है विश्व का ऐसा पहला देश बनेगा जो ग्रीन टैक्स लगाएगा, फ्रांस लगाएगा अपने देश में हवाई जहाज की टिकटों पर। ग्रीन टैक्स इन द सेंस ऑफ अपने देश की वातावरण को, जलवायु को, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अतिरिक्त चार्ज फ्रांस लेगा, जो कि ग्रीन टैक्स के रूप में प्राप्त करेगा, विश्व भर में पहला देश होगा 2020 में। इसी सीरीज में अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के कौन से शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपको पॉइंट रखना है, याद रखना है विश्व धरोहर सूची में कौन से शहर को भारत में शामिल किया गया है। तो आंसर है इसका जयपुर को, अभी हाल ही में, तो याद रख लेना जयपुर को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसके माध्यम से किया गया, कौन सा संगठन करता है? तो आपको याद रख लेना है यूनेस्को एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, हेड ऑफिस पेरिस में, मुख्यालय पेरिस में, यूनेस्को संगठन है एक,
जो विश्व धरोहर सूची में विश्व भर के शहरों को शामिल या सम्मिलित करता रहता है। तो अभी हाल ही में रिसेंटली जयपुर को शामिल किया गया है। अहमदाबाद को भी कुछ समय पहले शामिल किया गया था, लेकिन हाल ही में जयपुर को शामिल किया गया है। अगला फैक्ट देख लेते हैं इसी सीरीज में, भारत का रुपए कार्ड। रुपए कार्ड आपको पता ही है, मोदी जी की सरकार ने अभी हाल ही में भारत में काफी प्रचलित योजना रही थी, रुपए कार्ड लॉन्च किए थे, रुपए कार्ड बनवाए थे भारत के हर नागरिक के लिए। हाल ही में पश्चिमी एशिया के कौन से देश में ये लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है, उस देश में रहने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आपको याद रख लेना है, सऊदी अरब में रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के द्वारा। तो आपको याद रखना है, इससे पहले दो देशों में और हो गया है, ये तीसरा देश बनेगा, बहरीन और ओमान मेरे ख्याल से, बहरीन तो है ही लेकिन ये सऊदी अरब हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इंडिया इन डिस्ट्रेस। हर सीरीज में कोई ना कोई एक पुस्तक ले रहा हूं मैं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ना एक किताब पूछी जाती है कहीं ना कहीं करंट की सीरीज को लेकर के। इंडिया इन डिस्ट्रेस के लेखक कौन है, ये किताब अभी हाल ही में लिखी है, मतलब भारत एक मुसीबत में, इस तरीके से इसका टाइटल दिया गया। तो टाइटल किसके माध्यम से दिया गया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने यह टाइटल दिया था, भारत एक मुसीबत में है, उनका ऐसा मानना था इस किताब के माध्यम से, है ना, भारत सरकार को लेकर के उन्होंने ये एक क्रिटिसाइज आलोचना के रूप में इस पुस्तक को लिखा गया था, लेकिन काफी चर्चाओं में रही, आपको पेपरों के लिहाज से याद भी रखनी है। और मैं प्यारे बच्चों बात करता हूँ अगले और लास्ट क्वेश्चन की, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ और आपको इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न है, आप देख लीजिए, भारत में पहली बार बाघों की गणना कब हुई थी, टाइगर्स को काउंट कब किया गया था इंडिया में सबसे पहली बार। तो आपको याद रखना है, आपको आंसर देना है इस पांचवें क्वेश्चन का। तो आप कमेंट बॉक्स में, जब भी आप वीडियो को देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इसका उत्तर दीजिएगा, फिर आने वाले अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में आपसे इसका आंसर मेरे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। तो एक होमवर्क के तौर पर आपके लिए मैं छोड़े जाता हूँ कि टाइगर्स की काउंटिंग इंडिया में सबसे पहले कौन सी वर्ष में की गई थी। तो अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसी सीरीज में अगले पांच प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, अगले पांचों प्रश्न करंट के इस प्रकार हैं आपके सामने। तो पहला प्रश्न देखिए, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भारत के कौन से शहर में हुआ, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भारत के कौन से शहर में हुआ। बात भारत की हो रही है, तो भारत के कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया। तो आपको आंसर इसका मैं बता देता हूँ, कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया। कलकत्ता कोई कोलकाता लिख लेना, आजकल कोलकाता बोलते हैं, पुराना नाम कलकत्ता था, कोलकाता में आयोजन किया गया। पांचवा साइंस फेस्टिवल था, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, रामनाथ कोविंद जी द्वारा। सेकंड देख लीजिए प्रश्न, 2020 में सार्क सम्मेलन कहाँ होगा, 2020 में सार्क सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा 2020 में। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो प्रस्तावित है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यह सम्मेलन प्रस्तावित है। तो आपको याद रख लेना है 2020 में, आने वाले समय में, होता नहीं होता ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको याद रख लेना है। वर्ष 2018 का सरस्वती सम्मान, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेखकों को, कवियों को, काव्य संग्रहों के लिए दिया जाता है। 2018 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, के शिवा रेड्डी को यह पुरस्कार दिया गया है, के शिवा रेड्डी को दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, कौन से राज्य के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं या निवासी हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रख लेना है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं इसी सीरीज में, भारत का पहला शहर जो केरोसिन से मुक्त हो गया है, भारत सरकार इस पर विशेष फोकस कर रही है, 2020 तक लगभग पूरे भारत से, भारत के अलग अलग हिस्सों से या राज्यों से इसे खत्म कर दी केरोसिन को। तो आप देखिएगा, भारत का पहला शहर जो केरोसिन मुक्त होने वाला बन गया है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जो होता है, उसे खत्म करने के लिए सरकार की एक योजना चल रही है। तो इसमें आंसर आप देख लीजिए, पहला शहर कौन सा बना है, तो दो शहर आपको पढ़ लेने हैं यहाँ पे, एक चंडीगढ़ का नाम आप पढ़ेंगे, चंडीगढ़ और गांधीनगर, ये दोनों शहर हैं जो कैरोसिन मुक्त अभी हाल ही में हो चुके हैं भारत में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी ऑब्वियसली आपको पता होगा, और चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की, संयुक्त रूप से एक राजधानी, वैसे केंद्र शासित राज्य भी है, काफ़ी विशेषता हैं। रॉक गार्डन भी है जो कि काफ़ी फेमस है। अगला देख लेते हैं, अगला होमवर्क है जी आपके लिए, हर वीडियो में हर लास्ट का फिफ्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे मिलेगा, आप भी दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका उत्तर दीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस
भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, भारत की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं हो रही है। लास्ट के क्वेश्चन में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको इसकी डेट पता करना है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको। तो ये आपके लिए होमवर्क वाला ये लास्ट का पांचवा क्वेश्चन था, तो इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए, वीडियो को समय जब देखें आप। तो अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, अगले पांच प्रश्न देखिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अंतिम कड़ी में, अंतिम सीरीज में ये पांच प्रश्न है आपके लिए करंट के, तो देखिएगा एक एक करके ये पांचों प्रश्न। पहला प्रश्न है इस सीरीज में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निदेशक किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, इसे IMF बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो विश्वभर के गरीब मुल्कों को पैसा देता है वहाँ के विकास के लिए अपने सामान्य ब्याज दरों पर। तो मुद्रा कोष का निदेशक किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आप नाम लिखिए याद, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा नामक महिला को इसका निदेशक अभी हाल ही में बनाया गया है, तो आप याद रख लेना, नोट कर लेना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को निदेशक बनाया गया। अगला देखते हैं, विश्वभर में टीबी की बीमारी के लिए, विश्वभर में टीबी की बीमारी के लिए, टीबी मतलब आप जानते हैं, टीबी को आप इधर देख लीजिए, टीबी को क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, या यक्ष्मा भी बोलते हैं, यक्ष्मा रोग बोलते हैं इसी को, या तपेदिक भी बोलते हैं। तो ये तीन तीन नामों से साइंस में क्वेश्चन आता रहता है, और टीबी सामान्य तौर पर टीबी तो बोलते ही हैं। तो टीबी की बीमारी को ख़त्म करने के लिए, या क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक की बीमारी को ख़त्म करने के लिए विश्वभर में एक लक्ष्य रखा गया है, कौन से वर्ष तक इसे ख़त्म कर लिया जाएगा? तो आपको याद रख लेना है, 2030 तक का विश्वभर में ये लक्ष्य रखा गया है कि इस बीमारी को विश्वभर से हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि भारत से आता है तो भारत ने भी अपना लक्ष्य रखा हुआ है, भारत के बारे में बता देता हूँ, भारत ने 2025 भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक तपेदिक की बीमारी को ख़त्म करने का, तपेदिक की बीमारी को समाप्त करने का या ख़त्म करने का भारत सरकार द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। यदि विश्व की बात करता है तो 2030 आप याद रखिए, भारत की बात करते हैं तो भारत ने 2025 इस बीमारी का अनुमूलन करने का विषय या लक्ष्य रखा हुआ है, तो याद रखना है। टीबी के बैक्टीरिया की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी, वैज्ञानिक का नाम आपको याद रख लेना है, टीबी की बैक्टीरिया की खोज या क्षय रोग के बैक्टीरिया की खोज करी थी रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी टीबी के बैक्टीरिया की। तो ये पॉइंट, ये फैक्ट आपको याद रख लेने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फीफा द्वारा फुटबॉल की एक संस्था है, फुटबॉल के विश्व कप आयोजित कराती है जिसे फीफा बोला जाता है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेंस प्लेयर में आप देख लीजिए, इधर ही मैं आंसर आपको डिस्कस कर देता हूँ, लियोनल मेसी, लियोनल मेसी प्रमुख खिलाड़ी हैं, विश्व के जाने माने लियोनल मेसी को ये पुरस्कार दिया गया है, कौन से देश से आते हैं? अर्जेंटीना नामक देश से आते हैं, वैसे ये संयुक्त रूप से दिया गया है, लेकिन आप लियोनल मेसी को आप इसमें पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न फैक्ट इसी सीरीज में देख लेते हैं, गांधी शांति उद्यान, गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन 150वीं गांधी जी की अभी हाल ही में 150वीं जयंती निकल करके गई है 2 अक्टूबर 2019 को की जयंती पर कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है, गांधी शांति उद्यान का स्थापित कहाँ पर किया गया? तो आप इसका उत्तर देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गांधी शांति उद्यान स्थापित किया गया है, तो आपको ये याद रख लेना है। अब इसी सीरीज में लास्ट का क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो अगला और लास्ट का पांचवा क्वेश्चन है वो करंट का ही क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, मैं अगली बार मैं डिस्कस करूंगा वीडियोस में, आप आंसर देंगे वहां से भी डिस्कस करूंगा मैं। तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, ये साउथ इंडिया या दक्षिण भारत का राज्य, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला के रूप में पहली बार कोई अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के, मैं वहाँ से कमेंट आपके पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद अगली वीडियो में विस्तार से इस प्रश्न की चर्चा, इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा आपसे की जाएगी। तो ये थे आज के इस सीरीज में क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस थे और पांच लगभग 25 क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया है, इनको आप देख लीजिएगा, और लास्ट 6 मंथ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए मैं डेली पर डेली एक या दो वीडियो अपलोड करता रहूँगा, लाता रहूँगा। तो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, शेयर करें और लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। और यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube चैनल देवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।